अतः षष्ठा प्रश्न छठा प्रश्न प्रश्नोपनिषद का अंतिम प्रश्न ही है, प्रारंभ होता है। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञानमयस्य मंत्रे कर्म भी स षोडशकलानां परस्मिन् लयम् उक्त्वा यथा नद्य सिन्धमाना इति मंत्रेण दृष्टान्तोक्ति द्वारा परप्राप्तिरुक्ता मंत्रयोर् विस्तार विधानार्थं षष्ठं प्रश्नम् आरभते। गता कला पंचद प्रतिष्ठा कर्माणि विज्ञानमयश्च कर्म सहित षोडश कल वाले जो पुरुष है यह परब्रह्म में लय हो जाता है, उसी प्रकार जिस तरह नदियां समुद्र में लय हो जाते हैं, ऐसा मुंडक उपनिषद में आएगा। ऐसा मंत्र दृष्टांत के द्वारा समझाया गया था, जो परप्राप्ति की कथन की गई थी दो मंत्रों से, उसको विस्तार से समझाने के लिए पूरा छठा प्रश्न आरंभ हो रहा है। अतः हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्र मामुपेत्ययितं प्रश्नम अपृच्छत षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तम अहम कुमारम अप्रुवम नाहम इमं वेद यद्यहम इमं अवेदिशं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतम् अभिवदति तस्मान् नारहाम्यनृतम् वक्तुम् स तूष्णीं रथम आरुह्य प्रवव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। उसके बाद अंत में सुकेशा नाम से सुकेश है भरद्वाज गोत्रोत्पन्न, वह एनम पिपलादम वह आचार्य पिपलाद से पप्रच्छ पूछा। क्या पूछा सुकेशा ने? तो भरद्वाज के पुत्र हो या भरद्वाज गोत्रोत्पन्न हो, वह सुकेशा नाम के व्यक्ति ने क्या पूछा? कहते हे भगवन, हे पूज्य गुरुदेव, हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्र मामुपेत्य एतं प्रश्न अपृच्छत। एक बार कहीं गया हुआ था, वहां पर कहते उनके पास शायद प्रसिद्धि रही है इसकी, भरद्वाज पुत्र या भरद्वाज गोत्र उत्पन्न सुकेशा का काफी विद्वत्ता की प्रसिद्धि थी, इसे लोग उनको बहुत बड़े विद्वान मान करके उनके पास आते थे, अनेक प्रकार के जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछते थे। एक बार एक राजकुमार ने, राजपुत्र कौसल्य कौसल का बेटा हिरण्यनाभ नाम से सुप्रसिद्ध था, वह मामुपेत्य मेरे पास आकर के एतम प्रश्न पूछता, उसने यह प्रश्न को इस प्रश्न को मुझसे पूछा था। क्या प्रश्न था? षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ, हे भारद्वाज क्या आप षोडशकल पुरुष को जानते हो? तुम उस सोलह कला वाले पुरुष को जानते हो क्या? पूछा। तम अहम कुमार अब्रुवम, वह यह जो मैं उस कुमार से, तम कुमारम प्रति अहम अब्रुवम, उस कुमार के प्रति मैंने ये कहा। क्या कहा? ना हम इमं वेद, मैं जो है इसको नहीं जानता। उस राजकुमार से कहा मैं इसे नहीं जानता हूं, देन राजकुमार वहीं खड़ा रहा, शायद टाल मटोल कर रहा है, नहीं बताना चाहता होगा ब्राह्मण देवता, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे यह परम पुरुष का ज्ञान देना नहीं चाहता है, इसलिए टाल रहा है, यूं सोच वहीं खड़ा रहा। तब ये बोला भारद्वाज ने, यदि अहम इमम अवेदिशम, यदि मैं इस परम पुरुष जो षोडश काल वाले पुरुष को इमम अवेदिशम जानता हूं, तो कथं ते नावक्ष्यम, मैं आपसे क्यों नहीं कहता? यदि मैं इसे जानता होता तो मैं सर्वगुण संपन्न आप जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय बालकों को क्यों नहीं बताता? ये शिष्य रूपेण आया हो, ऐसे को मैं क्यों नहीं बताता? मैंने अवश्य बता देता। इति फिर भी वो हिला नहीं, ऐसा बोलने के बावजूद भी वहीं खड़ा है, नहीं आप जानते हैं, आप देना नहीं चाह रहे हैं, शायद अब जो कहो हम सेवा करेंगे, देन हमें दो ज्ञान, ऐसे ही खड़ा रहो। तब फिर तीसरी बार बोलने लगा, समूलो वा एष परिशिष्यति यो अनृतम् अभिवदति। देखो ऐसी बात है, जो पुरुष झूठ बोलता है
यो अनृतम अभिवदति, ऐसे तत्वों का ज्ञान रहता है, सत्य को जानते हुए छिपाता है, अपने ज्ञान को छिपाना ही तो झूठ है। आप जानते हो सच को और नहीं बोल रहे हो, मानी छिपा रहे हो सच को, नहीं बोलने का मतलब ही झूठ बोलना है। और झूठ ही बोल फिर तो कहने कि उल्टा बोलना तो महान झूठ है, और छिपाना ही वास्तव में झूठ है, सत्य को छिपाना भी झूठ है। ऐसे जो करता है समूलो वही येष पुरुषयति, निश्चित रूपेण वह मूल के सहित उसका सारा वंश सर्वथा नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, माने नष्ट हो जाएगा। तस्मात नारामि अनृतम वक्तुम, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता हूं। आप तुझसे आपसे छिपा करके छिपाने के लिए मिथ्या भाषण झूठ भाषण नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसने निश्चय कर दिया। सतुष्टि मृतम प्रभु राजा, जिस प्रकार से भारद्वाज गोत्र सुकेशा ने कहा तो वह चुपचाप राजकुमार हिरण्यनाभ कौशल्य क्या किया, रथ पे बैठ गया, चुपचाप चला गया। मृतम मारुह्य तुष्णीम, चुपचाप जो है प्रभु राज। हम उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिमाग में प्रश्न घूम रहा है, इसलिए उस प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूं। हे पिपलाद महर्षि, आप बताइए, तंत्वा पृच्छामि क्व सो पुरुषेति, तब मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूं कि वह जानने योग्य षोडश कलाल पुरुष कहाँ रहता है, कौन है वो, कहाँ रहता है, कैसे उसको पहचाना जाए, उसके बारे में वर्णन कीजिए। भाष्य अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ, अथ मैंने उसके अनंतर एनम पिपलादम, इस पिपलाद महर्षि से सुकेशा भारद्वाज, भारद्वाज गोत्रोत्पन्न या भारद्वाज के पुत्र सुकेशा नाम का व्यक्ति ने पप्रच्छ ने पूछा, समस्तम जगत कार्य कारण लक्षण सह विज्ञानात्मना परस्मिन अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठित इत्युक्तम। अभी तक जो बात कही गई है पर ब्रह्म विद्या के बारे में वो कह रहे हैं, जो आपने ये बताया कि समस्त जगत, संपूर्ण जो जगत है कैसा है, कार्य कारण लक्षणम, एक कार्य कर्ण लक्षण करके पाठ भेद भी है, कार्य कारण भाव से युक्त हो या कार्य कर्ण समुदाय से युक्त हो, ऐसा जो यह संपूर्ण जो जगत है सह विज्ञान आत्मा, इस जीवात्मा के सहित परस्मिन अक्षर सुषुप्ति काल संप्रतिष्ठित, सुषुप्ति काल में उस परब्रह्म परमात्मा ही जाकर के लय होता है, आपने ऐसे कहा था, इत्युक्तम ये बात कह दिया गया है। सामर्थ्यात और सुषुप्ति के दृष्टांत के आधार पर ही आपने पहले ही समझा दिया था कि समाधि तो हर व्यक्ति अनुभव नहीं करता है, सुषुप्ति तो हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है, इसलिए यह आसान दृष्टांत समझाने के लिए। अतएव जैसा सुषुप्ति को दृष्टांत बना करके आप समाधिकालीन अवस्था को वर्णन करते हो, उसी और हम ये भी अनुमान कर सकते हैं प्रलय में भी ये सब कहाँ जाते हैं, उस परम पुरुष में ही जाते होंगे। सामर्थ्यात प्रलय भी तस्मिन्नेव अक्षरे संप्रतिष्ठते, जगत यह जगत निश्चित रूपेण प्रलय काल में भी उसी अक्षर तत्व में संप्रतिष्ठित होता है, लय होता है, ऐसा हम सामर्थ्यात अनुमान कर देंगे। तथैव उत्पत्ति, और यह भी अनुमान सिद्ध हो जाता है, इसलिए वही से उत्पन्न भी हुआ है और उसी में टिका भी होगा, जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें लय होता है, तो स्थिति काल में कहाँ रहेगा, वो उसी में रहता है। इति सिद्धम भवति तथैव उत्पत्तिः इति सिद्धम, ये बात आपके अभी तक पढ़ाए हुए पाठों से हमें समझ में आ गया है, क्योंकि नहीं अकारणिक कार्य संप्रतिष्ठान उत्पत्ति, अकारण में कार्य को संप्रतिष्ठित हो जाना, लय को प्राप्त होना कहीं भी उपपन्न नहीं है। उस सामर्थ्य को स्पष्ट कर दिया, सामर्थ्यात कहा था ना, सामर्थ्यात उसी को भाष्यकार समझा रहा, अपने ही शब्द को समझा रहे भाष्यकार, क्योंकि यस ही मने यस्माद अकारण है, जो कारण नहीं है, ऐसे में किसी कार्य को लय हो जावे ऐसा देखने को नहीं मिलता। जो कारण नहीं है कौन, जैसे धागा, ये जो है घट का कारण नहीं है, अतएव अकारण भूता धागे में घटात्मक जो कार्य है कभी लय नहीं हो सकता,
किंतु वह धागा किसका कार्य कारण है? पट का। अगर पट भी लय होगा तो वह धागो में ही लय हो सकता है या नहीं? और घट लय होगा तो अपने कारण में, कौन है उसका कारण? मिट्टी, उसी में लय होगा। और कपड़ा कभी मिट्टी में लय नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा का कारण मिट्टी नहीं है। उक्तंच, इस बात को संकेत में कह दिया गया था पहले, आत्मने एष प्राणो जायते इति। आत्मा से ही जो है यह प्राण आदि उत्पन्न होते हैं, यह बात पूर्व में ही कह चुके हैं, तृतीय प्रश्न में कहा गया है। तीसरे प्रश्न का पंक्ति, आत्मने एष प्राणो जायते। जगतश्च सन यन मूलम तत् परिज्ञानात् परम श्रित सर्वोपनिषदां निशितोऽर्थः। क्योंकि सकल उपनिषदों का निचोड़ है, इस जगत का असली मूल तत्व क्या है वो जो जान लेगा वो ब्रह्म को जान लेगा। कि कल्पना का अधिष्ठान को पकड़ो, कल्पना के वजह से जो भ्रांतियां हैं और जो भय आदि है, बंधन है, वो अपने आप से मुक्त हो जाओगे। जैसे शुक्ति को जान लोगे फिर रजत भ्रांति निवृत्त हो जाएगा, रज्जु को जान लोगे तो सर्प आदि जन्य जो भी भय और सर्प भ्रांति सब निवृत्त हो जाएगा। उसी और अधिष्ठान को आपने जानना है। वह अधिष्ठान क्या है? जगतश्च यन मूलम, जगत का जो मूल है तत् प्रज्ञानात्, उसका प्रज्ञान परितः सम्यक पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाए तो परम श्रेय, वही परम श्रेय माने मोक्ष है। इति सर्वोपनिषदां निश्चितोऽर्थः, सकल उपनिषदों का यही निश्चित निचोड़ होता अर्थ है। अद्वितीय आत्मज्ञान से मुक्ति न कारण ज्ञानत, आनंदगिरी में दे रहे हैं, यद्यपि अद्वितीय आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, कारण ज्ञान से तो मुक्ति होती नहीं। तथापि तस्य कारणत्वे तद्वितरेकेण कार्यभावात्, फिर भी उसी ब्रह्म को जो अद्वितीय ब्रह्म आत्मा है वही कारण है, क्योंकि उससे भिन्न कोई कार्य ही नहीं हो सकता। तथा अद्वितीयत्व ज्ञान सिद्धति, तभी जाकर अद्वितीयत्व ज्ञान की सिद्धि हो सकती है। कार्य को कारण से अनन्य सिद्ध करेंगे तभी एक में अद्वितीयत्व सिद्ध होता है। इसलिए मृत्तिकायत्व सत्यम का, क्योंकि कार्य क्या घटा दे, कारण तो मृत्तिका से अभिन्न है। कार्य कारण अनन्य अनन्यत्वाधिकरण में अधिकरण ही ब्रह्म सूत्र में। यदि तादृश आत्मज्ञानात् परम श्रेय, तादृश आत्मज्ञान से ही परम श्रेय होता है। आत्मविदम एक एव अग्र आसीत् इत्यादि इसमें आगे प्रमाण भी है। सहितमेव पुरुषं ब्रह्म ततम अपश्यत्, प्रज्ञानं ब्रह्म स एतेन प्रज्ञेन आत्मनामृता समवत् सदैव एकमेव अद्वितीयम् इति उपक्रम्य आचार्यन् पुरुषो वेद अथ संपत्से तमेव एकं जानथ अमृत शेष से तो अहम ब्रह्मास्मि इति अनेक श्रुतियां ध्यान देने कारण यहां पर छांदोग्य बृहदारण्यक हर उपनिषद का पकड़ा दिया। ऐत्रेय उपनिषद, सकल उपनिषद ले बृहदारण्यक, सारी चीज ले लिया। तस्मात् सर्वभवद् इत्यादिशो निश्चितम् इत्यर्थः इति सकल उपनिषदों में सर्वोपनिषदों का ना ये जान करके चारों वेदों का एक एक उपनिषद के मंत्र टुकड़े दे दिए। इसलिए यहां पर भी वही समझो, जब सकल उपनिषदों के निश्चय है तो यहां भी वही है। सारा जगत का कारण भूता उस ब्रह्म को जानोगे, कारण कौन है, कारण को खोजते खोजते कारण में पहुंच जाओ, जहां कारण में पहुंच गए आपको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अनंतरम च उक्तम स सर्वज्ञ सर्वभवती, और अभी भी पिछले पांचों प्रश्न में कहा गया था जो उस तत्व को जानेगा वह सर्वज्ञ होता है, वह सब कुछ हो जाता है। सर्वभवती थी वक्तव्यंच क्वतर्हि तदक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम ज्ञेयमिति। अतएव यह वक्तव्य है, कहाँ रहता है वह अक्षर जो सत्य है, पुरुष नाम से कहा जाता है वह विज्ञेय तत्व कहाँ रहता है यह कहना चाहिए। तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्यते, उसके लिए ही यह प्रश्न को आरंभ किया गया है। वृत्तन व्याख्यानंच विज्ञानस्य दुर्लभत्व ख्यापनेन तल्लब्ध्यर्थं मुक्षुणां यत्न विशेष उत्पादनार्थम। कहते कि भाई
वृत्त का अनुवाख्यान अभी तक ये जो बात बोला आपने, ये प्रकटक या पर पूरा अभी तक ये सारी बात को अपने संग्रह करके जो बोल रहे हो, वृत्त का ही अनुवाख्यान जो किया गया, क्यों कर रहे हैं आप? जो तीसरे चौथे पांच प्रश्न में कहा गया वो सबको आपने निचोड़िया दे रहे हो, और सारे प्रश्नों का निचोड़ यही है कह दिया आपने, यह कहने का फायदा क्या? वृत्त मैंने बीती हुई बातों को पुनर आपने जो कथन किया है, वृत्त वृत्तस्य अनवाख्यानम इति वृत्त अनवाख्यानम। इसलिए हेतु दे रहे, देखो एक तो सबसे पहला हेतु यह है विज्ञान से दुर्लभत्व ख्या प्रेना। ये जो विज्ञान है आत्मविज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, यह बात का ख्यापन करना है, प्रकाशन करना है, उसके लिए हमें दोबारा सब कुछ कहा है। दुर्लभ होने के कारण से तल्लभ्यर्थम उसे प्राप्त करने के लिए मुक्षुणाम यत्न विशेष उत्पादनार्थम, मुक्षो लोग यत्न विशेष करना चाहिए, यह बात को संपादन करने के लिए उत्पादन करने के लिए दोबारा सारी बात संग्रह करके कह दिया गया। कला तो षोडशो भाग इति प्राणादि नाम प्रत्येकम स्वेदर अपेक्षया षोडशत्वात् कलात्वम इत्यपि द्रष्टव्यम्। एक नंबर टिप्पण है, कला कैसे कह दिया आपने? कहते क्योंकि कला कहते सोलहवीं भाग का नाम एक कला। चंद्रमा होता है ना 15 दिन पूरा जाता है, पूर्णिमा अमावस्या में नहीं रह जाते, उसको अकला हो गया, कला रहित हो गई, तो सोलहवीं कला एक तरह। कला तो षोडशो भाग कोश का है, उसके आधार पर प्राणादि जितने भी हैं प्रत्येक को क्या मानना चाहिए? श्वेत अपेक्षा अन्य के अपेक्षा से प्रत्येक क्या हो जाएगा? सोलवा हो जाएगा। वही गणना जैसे नारद ने कंस को कहा आठवां गोल में खड़ा कर दो, यहां से शुरू करो एक जगह से तो उसे पीछे वाला आठ हो जाएगा, जो आठवा था उसको एक से शुरू करोगे तो उससे पीछे वाला आठवा हो जाएगा, ऐसे सभी के सभी आठवा है। इसी प्रकार से यहां पर भी सभी के सभी 16 हो जाएंगे, 16 गिना लो और यहां शुरू करो दे 16 कोने वाला आएगा, उसी को एक बनाओ तब क्या होगा? ये वाला 16 हो जाएगा। इस तरह से अगला 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 को एक से गिनते जाओ तो पिछला पिछला क्या हो जाता है? 16 बनते जाएगा। तब प्रत्येक को 16 समझने में भी कोई दोष नहीं है। हे भगवान हिरण्यनाभ नामतः, नाम से क्या था? हिरण्यनाभ। कौशलयाम भव कौशल्यो, कौशल देश में जो पैदा हुआ था इसलिए कौशल्य कहते हैं, या कौशल का बेटा कौशल्य है। राजपुत्रो जातितः, जातितः क्षत्रि था, कोई जरूरी नहीं कि राजा का ही बेटा राजपुत्र कहा जाता है, हर क्षत्रि को कह सकते हैं आप राजपुत्र, क्षत्रियो स्पष्ट कर दे वाचक, इसलिए जातितः क्षत्रिय। माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्यमान प्रश्न अपृच्छत, मेरे पास आकर के उपेत्य मैंने उपगम्य मेरे नजदीक आया, मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंचा, पहुंच करके एतम उच्यमान प्रश्न अपृच्छत, ये जो कहे जाने वाले प्रश्न को उसने मेरे से पूछा। ऐसे होता है सबके साथ भी, हमारे पास ये लोग आ जाते हैं ना ढूंढ ढूंढ के आते, बेचारे दिन भर ढूंढ रहे हैं, है? आश्रम ही नहीं मिल रहा, उन्हें परेशान, ढूंढते ढांढते आ गए किसी तरह से, और प्रश्न ऐसा पूछते हैं और उसे हम जवाब न दे तो बेचे निराश होकर को जाना पड़ता है, हैं? बड़ी श्रद्धा से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते बेचारे, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछते जवाब देने लायक ही नहीं रहता है, ये हम नहीं जानते, ये भी होता है, बताए जब हम नहीं जानते पुस्तक में देख लो आप, हर चीज थोड़ी याद है, कह रहे पुस्तक भी नहीं मालूम रहता किस पुस्तक में हमने पढ़ा था, वो भी याद नहीं है, तो क्या बताएंगे अगले। तो ऐसे इस बेचारे के साथ हो गया, हिरण्यनाभ पहुंच गया भरत भारद्वाज के पास, कि ये सोच कर गए कि ये सब कुछ जानते बड़े विद्वान हैं, ये हमें मार्गदर्शन कर देंगे बता देंगे। षोडश कलाम, षोडश संज्ञा का कला अवयवाः, षोडश है 16 संख्या जिसका, ऐसी जो कला अवयव है जिसका,
अवयव इव अवयव, कहीं आत्मा कोई अवयव तो होता नहीं है, इसे भाष्कर कहते हैं अवयव इव आत्मनि अद्य अविद्या अध्यारोपित रूपा। आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित अवयव के समान अवयव है, वास्तव में अवयव है ही नहीं। यस्मिन पुरुषे रूपा बहुरी समास है यस्मिन, तक लेना षोड़ संख्या का कलाम अवयव इव आत्मनि अविद्या अध्यारोपिता यस्मिन सपुरुष तस्मिन पुरुषे स्वयं षोड़श कलह, वह यह जो ऐसा है उस पुरुष का क्या कहा जाएगा, सोलह कलों वाला पुरुष। तम षोड़श कलम हे भारद्वाज, उस षोड़श कल वाले पुरुष को मैं हे भारद्वाज पुरुषम वेत्थ विजानासी, क्या आप उसे जानते हैं। तम अहम राजपुत्रम कुमारम पृष्टवंतम अब्रुवम मुक्तवान अस्मी, इस प्रकार से पूछने वाले उस क्षत्रिय जाति उत्पन्न हिरण्याक्ष नाम का व्यक्ति, कौशल देश उत्पन्न या कौशल का पुत्र, और जो है वह क्षत्रिय जाति उत्पन्न है, उस व्यक्ति से मैंने, उस कुमार से, कुमारम करने से मालूम हो रहा है वो ज्यादा वायु वाला नहीं था, छोटे उम्र का था, उसको मैंने पूछने वाले उस कुमार से अब्रुवम यह जवाब उक्तवान अस्मी, मैंने कहा। क्या कहा, नाहम इमं वेद यं तुम पृच्छसी थी, मैं यह नहीं जानता हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हो। अहम इमं न वेद, मैं इस पुरुष के बारे में नहीं जानता हूं, यं तुम पृच्छसी जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो। एवं उक्तवत्यपि, भाष्यकार जोड़ते हैं ना, इतने कर से चले जाना चाहिए, ठीक है आप नहीं जानते, जा रहा हूं, चले जाना चाहिए, गया नहीं, ऐसे कहने के बावजूद भी एवं उक्तवती अपि, एवं उक्तवती अपि मई अज्ञानम असंभावयंतम, तम अज्ञाने कारणम अवादिशन, कि वही खड़ा है यह सोचते हुए मुझ में इस पुरुष का अज्ञान की संभावना ही नहीं है, यह मानते हुए खड़ा हुआ था। मई मैंने मुझ में एकदार्श पुरुष विषय को अज्ञानम असंभावयंतम, अज्ञान की असंभावना अर्थात उसको निश्चित है, उस बालक को जरूर जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते। तम अज्ञाने कारण अवादिशन, तब मेरे अपने अज्ञान के विषय में मैं उसे कारण कथन कर दिया। यदि कथंचित अहम इमं त्वया पृष्टं पुरुषम अवेदिशम वेदवान अस्मी कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थिने ते तुभ्यम नावक्ष्यम नोक्तवान अस्मी न ब्रूयाम इत्यर्थः। यदि किसी प्रकार थोड़ा सा भी मैं इस पुरुष पर कुछ ढंग का जाना होता, कथंचित अपि अहम इमं त्वया पृष्टं, आपके द्वारा पूछा कि इस पुरुष के बारे में पुरुषम अविदिशम वीतवान अस्मी ज्ञानवान होता, कथम अत्यंत शिष्य गुणवते, अत्यंत शिष्य के सकल गुणों से युक्त आप जैसे ज्ञानार्थी विद्यार्थी के लिए ते तुभ्यम कथम नावक्षम, मैं तुम्हें क्यों नहीं कहता, नोक्तवान अस्मी क्यों नहीं बोल दिया होता, न ब्रूयाम कैसे मैं नहीं कह सकता हूँ, अर्थात अवश्य ही मैं कह देता। इसे समझ लो वास्तव में मैं सचमुच में नहीं जानता हूँ। इतना कहने के बावजूद भी वो सोच रहा है नहीं नहीं जरूर जानते हैं, इन मुझे ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, पीछे पड़ा वो भी, इतनी दृढ़ श्रद्धा है विश्वास है कि इनको जरूर ज्ञान है, इन्हें मुझे नहीं दे रहा है। कितना अंतर है देखो दोनों में, यही चीज इनमें भी था सुकेशा भारद्वाज ने, पिपराज महर्षि ने क्या कहा, एक साल रहो पूरी काम धंधा सेवा जो भी है सब करते रहना, पढ़ते रहना, ध्यान भजन करते रहना, लेकिन एक साल बाद जो तुम लोग पूछोगे जानता हूं तो बताऊंगा, नहीं तो जाओ। तो ये लोग श्रद्धा पूर्वक साल भर वहीं रहे, तो फिर एक प्रश्न पूछते रहे, एक विश्वास थी ना, श्रद्धा थी उन पर। यही यहां पर देखो उसी सुकेश के प्रति उसका शिष्य भी क्या हाल है, हिरण्यनाथ इतनी श्रद्धा और विश्वास है, वो सोच रहा है कि जरूर ही जानते, बल्कि अंतर इतना है
सुकेशा नहीं जानता था, पिप्लाद जी जानते थे। सुकेशा क्या कह रहा है, भूयोपि अप्रत्यम इव आलक्ष्य प्रत्यायितुम अब्रुवम, बारंबार भूयोपि फिर भी अप्रत्यम इव आलक्ष्य, मैं देख रहा हूं अप्रत्यम अविश्वासम, उस हिरण्यनाभ को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, इसलिए अप्रत्यम इव आनंदगिरी में है, अप्रत्यम ने अविश्वासम देखा कि उसको अविश्वास करता हुआ के समान आलक्ष्य देख के प्रत्यय तुम उसे विश्वास दिलाने के लिए अरे मुझे और कहना पड़ गया। क्या और कहें आप, मैंने ये उसको समूल सह मूले नवा एशो अन्यथा संतम आत्मानम, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन अंडृतम अयथाभूतार्थम अभिवदती यह सब परिशुषति शोषम उपैति यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्य दे विनश्यति। जो व्यक्ति समूल मैने सह मूले नहीं थी समूल वही मैने निश्चित रूपेण वह मूल सहित जड़ सहित उसका नाश होएगा। जड़ सहित नाश होने का मतलब क्या, जो व्यक्ति अन्यता संतम आत्मानम अपने आप अन्य है और कार्य कुछ और, अपने आप अज्ञानी है, आप ज्ञानी के जैसे बाहर बोल रहे हैं, खुद अज्ञानी होते हुए ज्ञानी जैसे कहना या खुद ज्ञानी होते हुए अज्ञानी जैसे बोलना दोनों ही गलत है। अन्यथा संतम अन्य प्रकार का होता हुआ अपने आप को अन्यथा कुर्वन अन्य रूप से करते हुए अनृतम अयथ अनृतम मैंने अयथाभूतार्थ झूठ बोलना मैंने अयथार्थ कथन कर देना, अभी यह जो ऐसा करता है सब परिशुष्यति वह शोषण उपैति वह सूख जाता है, मूल सहित सूख जाता है, जड़ सहित सूख जाएगा का मतलब क्या, मैंने उसके यह लोक में भी गति नहीं रह गया परलोक की भी गति उसकी नहीं हो सकती, दोनों लोकों से गया हो यह लोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति। यह लोक में मनुष्य लोक उसे उत्कृष्ट देवादि देह रूप परलोक उन दोनों की प्राप्ति का जो मूल था पुण्य कर्म उस असत्य के द्वारा प्रणाश हो जाता है, जब पुण्य नष्ट हो गया उन दोनों से वंचित होकर वह अधोगति को प्राप्त होता है, ये इसका अर्थ दो नंबर टिप्पणी में स्पष्ट है। अन्यथा संतम की व्याख्यान गिरी ज्ञानिनम संतम स्वयं ज्ञानी होते हुए अन्यथा कुर्वन अज्ञानिनम कुर्वन अपने आप अज्ञानी जैसे व्यवहार करता हुआ बोलना मैं नहीं जानता हूं, आरोप इन अपने में आरोप कर लिया ज्ञानी होते हुए अज्ञानित्व का आरोप करके बोल रहा है मैं नहीं जानता, वो गलत है और अज्ञानी है और अपना आरोप कर लिया मैं ज्ञानी हूं और उपदेश देने लग जाए वो भी गलत है, दोनों ही गलत लोग हैं। ज्यादातर अज्ञानी अपने अज्ञानी कर व्यवहार तो करता ही है, अज्ञानी ज्यादातर अपने आप को ज्ञानी जैसे व्यवहार करता है, इसलिए हरियाणा में कहावत ही हो गया ना, क्या कहावत है, अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा, पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, जो अनपढ़ होते जाट वो पढ़े लिखे जैसे व्यवहार करते हैं और जो पढ़ा लिखा जाट हो जाए जाट ने पढ़ लिख लिया वो तो खुदा ही हो जाता है, अपने आप खुदा से कम नहीं मानता। ये तो अन्यता संतम अन्यता कुर्वन ये इसका मतलब है। यत एवं जाने जिसलिए मैं इस तत्व को जानता हूं, शास्त्र में बात कहा गया है इसे मैं जानता हूं इसी वजह से तस्मात नारामी अहम अंडतम वक्तुम मूढ़वत मूढ़ों के समान मैं आपके सामने झूठ बोलने योग्य नहीं हूं, अर्थात मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं। स राजपुत्र एवं प्रत्यायतः जब वह राजपुत्र इस प्रकार से देखा कि ये बारंबार बोलकर मुझे पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि वास्तव में षोड़श पुरुष को नहीं जानता हूं, तब तुष्टिम व्रीडित अर्धम आरुह्य प्रभुराज प्रगतवान यथागतमेव, जैसे आया वैसे लौट के चला गया, रथ पे चढ़ करके बड़ा लज्जित होकर के चुपचाप चला गया, व्रीडित लज्जित सन, क्योंकि लज्जा क्यों हुई, अस्थान कृत परिश्रमत्वात् अस्थान में कृत श्रम वाला हो गया,
इतना दौड़ धूप करके आया और कुछ मिला नहीं बेचारा, तो व्यर्थ परिश्रम हो गया, नहीं हो गया? उस व्यर्थ परिश्रम की वजह से उसको लज्जित हुआ। अस्थान में कि सोचा था बड़े विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, सुना है, इनके पास जाने से हमें बहुत लाभ होएगा, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। हाँ वह ना कीटन्याय, भ्रमर कीटन्याय जैसे हो जाएंगे, ये सोच के आ गया। लेकिन हुआ गया उल्टा, कीट का कीट ही रह गया, भ्रमर तो हो नहीं पाया, कि जिसके पास गया वो तो बेकार है, वो जानते हैं नहीं है, भ्रमर कीटन्याय तो भ्रांति में आ गया। भ्रमर कीट होने के लिए, कीट भ्रमर होना चाहता है ना, तो हो नहीं पाया। इसलिए ना वो एक बार सुना है विदा शायद पंचतंत्र में कहानी गाय और गधे की। हाँ हाँ क्या, हाँ गोगर्दन न्याय, गोगर्दन न्याय, गधे को गाय के साथ जोड़ दो तो गधा गाय हो जाएगा क्या? ऐसे ही आपके अपने सामर्थ्य भी तो होना चाहिए। हम लोग भले है ना, इसलिए भगवान भी सामने खड़े हो तो पहचान नहीं सकता, अपनी योग्यता हो तब तो पहचानेंगे। अपने अंतर्गण शुद्धि हो तो फिर गुरु भी जो उपदेश देगा उसे तुम भी गुरु हो ही जाओगे, नहीं तो कैसे हो जाए? कहाँ मानेंगे लोग? लोग सत्य को मानते नहीं ना, सत्य को स्वीकार करते नहीं। इसी प्रकार सत्य को कोई स्वीकार करता नहीं, आसान नहीं है। क्या भले जितना भी जुड़िएगा लेकिन स्वयं अपने अंतर्गण को तैयार नहीं करेंगे तो जुड़ने का कोई फायदा नहीं होता। तस्मात् नारामि अहम् अनृतं वक्तुं मूढवत्। इसीलिए यह जानने के बाद राजपुत्र ने यह जज विश्वास प्रत्यायित मैंने विश्वसित विश्वास दिया, दृढ़ विश्वास दे दिया सच बोल करके, बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ। तब वह व्रीडित सन तुष्टिम प्रथमारु लज्जित होकर के अस्थान में मेरा व्यर्थ परिश्रम चला गया, ऐसे सोचता हुआ वह चुपचाप रथ पे चढ़कर चला गया। यथा आगतम एव तथा प्रगतवान, जैसे आया था वैसे लौट गया खाली हाथ। अतो न्याय तो उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्या एव अंडतंच न वक्तव्यम सर्वासुपि अवस्थासु इति सिद्धं भवति। इस मंत्र से क्या सिद्ध हुआ वो भाष्यकार बता रहे हैं। न्याय तो उपसन्नाय, न्याय से बिल्कुल उचित तरीके से धर्मानुसारेण जो व्यक्ति शरणागत हो जाए, शिष्य भाव में आ जाए, ऐसे जो योग्य है, ये देखो न्यायता उपसन्नाय कैसा आया हुआ है, धर्मानुसारेण आया है ना, जो समित पाणी सर्वतम ब्रह्मिष्ठ गुरु अभिगच्छेज विधि है, विधि के अनुसार आया हुआ है। वो विधि भी किसके लागू है, जो व्यक्ति पहले ये जान लिया परीक्षा लोकान कर्त नास्ति कृत कृत है ना, ब्राह्मण निर्वेदम आयात, सारे नित्य अनित्य का विवेक कर चुका है, वैराग्य प्राप्त कर चुका है, षट संपत्ति संपन्न है, मुक्षुता है, ये चतुर्विध जो बताए साधन चतुष्ट से, साधन चतुष्ट संपन्न होकर के, न्याय तो प्रसन्न है का मतलब साधन चतुष्ट संपन्न होकर के विधि के अनुसार विधिवत शरणागत हुआ, समित पाणी होकर के आजकल की भाषा में माल पाणी होकर के गुरु के शरण में पहुंच गया। तब क्या पहुंचने से फायदा नहीं, योग्याय च, योग्यता भी होनी चाहिए उसको उस चीज की। तब जानता, जानने वाले पुरुष व आचार्य के द्वारा विद्या वक्तव्यैव, विद्या अवश्य ही कहना चाहिए, टाल मटोल नहीं होगा, देना ही होगा विद्या। अंडतन न वक्तव्य, मैं नहीं जानता, वैसे झूठ कभी विद्वान को नहीं बोलना चाहिए। सर्वास्व अवस्था, चाहे जैसी भी अवस्था हो अवश्य देना होगा, यह बात यहां इस मंत्र से सिद्ध हो गया। तंत पुरुषम त्वा त्वाम पृच्छामि, उस पुरुष के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मम हृदय विज्ञेयत्वेन शल्यम इव स्थितम, कि मेरे हृदय में विज्ञेय रूपेण वह आज तक शल्य के समान टिका हुआ है। शल्य मैंने मान लो कोई दर्द जैसे अंदर में कोई हो जाता है ना, ट्यूमर मर जाते, मांस को वैसे कुछ हो गया इधर उधर, तो क्यों चुपते रहता है, बड़ा दर्द होता है। जैसे
हर्निया हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो कोई भी एक मांस का एक्यूज भी हो जाए, अब साधारण अगर नाक के ऊपर छोटा सा भी निकलने लग जाए तो क्या होता है, फुंसी से इसे भी बड़ा दर्द होता है। तो इसी तरह से यहां पर भी फुंसी के अंदर क्या होता है, कील जैसे बन जाते हैं, वो छुपते रहते हैं कहीं भी हो शरीर। वैसे अगर मेरे हृदय में वो जो प्रश्न है ना आज तक ऐसा है, मान लो कील जैसे चुभता हो लगातार मेरे को चुभ रहा है, जब तक मैं इसका जानूंगा नहीं मेरे को शांति नहीं मिल सकती। तो कब पूछा होगा, कब वो पिपलाद महर्षि के पास आया, पिपलाद महर्षि के पास भी एक साल तक उस दर्द को पेट में रखे हुए, हृदय में रखे हुए सहन करता हुआ बैठा हुआ, चिंतन कर रहा है क्या है वो पुरुष, वो षोड़शल पुरुष कौन है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या तत्व है वो। यही 24 घंटे उसके दिमाग में, एक साल तो है ही जो एक साल वहां पर बीता है उसका, वो एक साल तो लगातार वहां ये दर्द रहा ही। ये मान भी लिया जाए कि राजपुत्र पूछ के चला गया, तुरंत ही वहां से पुलाद मर्षि के पास आ गया है, ऐसा मानेंगे तो भी कम से कम एक साल तक तपस्या के उस प्रश्न को हृदय में रखे हुए। और लोग यहां ऐसे आते और प्रश्न प्रश्न के बारे तुरंत जवाब चाहते, तुरंत नहीं मिला रे क्या है बताते नहीं है, बताएंगे समय आने के, पर हर बात हर समय जब तब थोड़ी बताई जाती है, वो तो अपने आप आते जाता है। उपनिषदों की श्रृंखला इस तरह से बनी गई है, गीता के श्लोकों को इस प्रकार से रख दिया गया है, अपने आप बढ़ते बढ़ते सारे आपके संशय के जवाब आ जाता है, कोई चीज छूटती नहीं, वो पूरा होते ही सर्व संशय निवृत्ति मोक्ष है ना नियम। हो या ना हो आपकी अपनी अकल सकल की बात है, अंतकरण की बात है, और नहीं होता है लघु प्रस्थान सुनने के बाद भी नहीं हुआ, बृहत प्रस्थान सुनने के बाद भी नहीं हुआ, श्रवण वा मरण वा निध्यासन नहीं हो रहा है, तो समस्या अपनी अपनी व्यक्ति अलग है, उपाधियों का दोष है। तो मम हृदय विज्ञेत्व शल्यम इव, उसकी टीका देखो शल्यम इव टिप्पण, वा पुंसी शल्यम शंकुर नायत्यमर बाणाग्रम शल्यम इत्यर्थ, जैसे बाण का अग्रभाग चुभा हुआ है, वो अंदर टूट टूट गया बाण का, वो अंदर फंसा है, वो बहुत दर्द करता है, जिससे सुई अंदर गया और सुई का नोक के अंदर टूट जाए तो क्या होएगा, या कांटा घुस जाता है, कांटे के नोक अंदर टूट जाता है, बहुत कष्ट देता है वो। उसी प्रकार से ये हो रखा है मेरा हाल, स्थितम क्वास वर्तते विज्ञेह पुरुषे थी, इसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरुदेव बताइए वह जो षोडशकल वाला जो विज्ञेह पुरुष कहाँ रहता है, इसका वर्णन करो। तस्मै सोवाच यही वान्तशरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकलाः प्रभवन्ति इति, उस सुकेशा भारद्वाज से आचार्य पिपल्लाद ने कहा, स आचार्य पिपल्लाद तस्मै सुकेशाय भारद्वाजाय आह उवाच, क्या कहे, अरे वो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, उस आत्मा को ब्रह्म को पुरुष को, 16 कला वाला पुरुष कहाँ है, कहते यही अंत शरीर है, बस यहीं पर कहाँ, चारों तरफ देखने लगेगा वो, कहते तुम्हारे शरीर के भीतर बाहर का ढूंढ रहा, यहाँ पर कनेक्शन कमरे में देखने से नहीं मिलेगा, किंतु वो अंत शरीर एव शरीर के भीतर नहीं है। हे सौम्य हे प्रियदर्शन शिष्य, वह पुरुष कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, वो यहीं पर तुम्हारे अपने शरीर के भीतर में रहता है। यस्मिन् नेता षोडश कला प्रवन्ति, कला मैंने अवय बता दिया ना, अभी अभी नहीं बताया था, कला 16वीं अवयव का नाम कला, नहीं 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 अवयव को कहते कला, कोई भी अवयव हो उसको कला, 16 कलाएं हैं, 16 तो संख्या हो गई ना, वो आ रहे ना, वो आएगा मंत्र में आ रहा है ना, 16 गिनाएंगे अभी, ये तो कहा ना प्रश्न आगे आ रहा है आपका भी जवाब आ रहा है अगले मंत्र में, थोड़ा भी आप बीच में शास्त्रार्थ है इस मंत्र में, काफी विचार विमर्श होएगा कि शरीर के अंदर आपने कैसे कह दिया कह देंगे, उसके बाद सारी बात आएगा, उसने ईक्षण किया किसके उत्क्रमण होगा, तीसरा मंत्र में आएगा,
सब गिनेंगे, प्राण आदि 16 आइटम की गिनती करेंगे यहां पर। अभी कौन से 16 आइटम है वो आ रहा है। नीचे टिप्पणी में कहा भी देखिए 6-4 में, इसी छठे प्रश्न का चौथे मंत्र में देखो आप, सार संख्या के नाम उच्चमाना सब प्राणम मसृजत इत्यादि ना, सब प्राणम इत्यादि से चौथे नंबर में आएगा। पृष्ठ संख्या 83 टिप्पण 2 यानी 6 नंबर प्र उ 6-4 मंत्रे वक्षमाणा, वो 16 आइटमों का 16 अवयवों की गिनती कराएंगे आगे में। अच्छा बोले बता दे रहे हैं, वो 16 कलाओं वाला पुरुष है, वो उसको कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला, वह तो आपका भीतर में ही है। वह पुरुष कलाहीन होते हुए भी इन उपाधि भूत 16 कलाओं के कारण से कलावान सा दिखाई देता है। अविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या होता है करके उसके शुद्ध रूप को दिखलाता है। इसलिए प्राणादि कलाओं का उसी से उत्पन्न होना कहा गया है। ये प्राणादि कहां से उत्पन्न हुए? आत्मा से उत्पन्न हुए। लय कहोगे आत्मा में हो गए, तो जब ये कलाएं बाहर रहती हैं तब का कला वाला आत्मा है। चित्र वाला पट है, चित्रों को खत्म कर दो केवल पट है, चित्र हटा दो तो क्या रहेगा? केवल पट ही तो रहेगा। जैसे स्लेट है, स्लेट पर लिखा हुआ है, अब स्लेट को क्या कहेंगे? हैं? लिपि विशिष्ट है ना, अब लिपि विशिष्ट है, 16 अक्षर लिख दो तो कहेंगे 16 कला वाला स्लेट है कि 16 अक्षरों को लिखा हुआ है स्लेट पर। अब अक्षर को मिटा दो क्या रह जाएगा? हैं? बिना अक्षर वाला स्लेट है ना वो, उसे क्या कहेंगे? अभी 16 कला रहित है, अकला वाला स्लेट हो गया वो। उसी प्रकार पुरुष भी है, इसलिए जान के ही बात कही जा रही है, पुरुष से प्राणादि 16 तत्व पैदा हुए है, तो उपाधियों की वजह से कह दिया गया यह पुरुष इन 16 कलाओं वाला है। और जब लय हो जाएगा तो कलाएं नहीं रह गई, तो वह पुरुष कैसा हो जाएगा? अकल पुरुष हो जाएगा, कलाओं से रहित, इसे अकल पुरुष। वो बात समझाने के लिए ही ये सारी बातें उठाई जा रही है। एक में अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है, उससे 16 कलाएं प्रकट होते हैं, उसे उपाधियों के कारण से अपने आप को जीवात्मा मान लेते हो, फिर सुषुप्ति में लय हो जाता है जैसे, वैसे मोक्ष काल में जब विलय हो जाएगा तो यह एक अद्वितीय ब्रह्म ही रह जाता है, कलाओं से रहित रह जाता है। इसलिए आंतरिकार कह भी रहे देखो, पुरुष से षोडश कलत्वम न साक्षात सावयत्व न, साक्षात सावय हो करके ये पुरुष 16 कला वाला नहीं हुआ। जैसे आप है शरीर का क्या है, हाथ पैर वाला होकर आप कला वाले हो गए, अवयव वाले हो गए हो, लेकिन साक्षात है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। किंतु कला जनकत्वेन उपाधिवत्वा, कला का जनक होने से कला रूप उपाधियों वाला है वो, अतः उसको षोडश कला वाला कह दिया गया। इति वक्तुम यस्मिनेता इति वाक्यम, इसलिए कहा गया यस्मिनेता षोडश कलाः प्रभुवन्ति इति, जिसमें जिससे नहीं कह रहे हैं, देखो यस्मिन का यस्मात नहीं, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं कह दिया। जैसे मिट्टी में, जैसे घड़ा, मिट्टी से घड़ा नहीं, मिट्टी में घड़ा उत्पन्न हो रहा है ये कहा जाता है, कि वाकई मिट्टी से और घड़ा घड़ा कोई अलग चीज नहीं है। उसे और यहां पर भी समझना है। आप सीधे याद तो क्यों बता रहे, देखो ओ इधर है ये 16 कला वाला पुरुष है, ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे सीधे सीधे? हैं, हृदय के अंदर दिखा देते, हृदय के अंदर है, देखो उधर गुफा में कुछ नहीं मिलेगा वहां। तो इन्होंने केवल आत्मप्रदर्शन क्यों वक्षमाण कला उक्ति कलोक्तिया सुन तदुपाई थी, तो भाष्यकार समझा रहे कि अभी इस मंत्र का अर्थ को तस्मै सहोवाच, उसके लिए जवाब में, उसके लिए मैंने सुकेशा भारद्वाज के लिए स व पिपलाद महर्षि ह निश्चित रूपेण उवाच जवाब में कहे थे। यही अंतःशरीरे हृदय पुंडरीक आकाश मध्य आ गया ना, यही अंतःशरीरे शरीर के भीतर में ही है, शरीर के भीतर में है तो आप प्रसन्न करके दिखा दिया जाए कहाँ है वो, जहां भी रखे हैं उसको काट के निकाल देते, ऑपरेशन कर देते डॉक्टर लोग, कहते नहीं हम देख ले सकते हैं क्या? हृदय पुंडरीक आकाश मध्य कर दिया, हृदय कमल
मैं जो आकाश है उस आकाश का बीच में है कह दिया। आकाश के बीच में हवा, हवा का बीच में कहां ढूंढोगे वहां, और कुछ नहीं दिखाई देगा। लो माज लोग कहते हैं वहां केवल अधिक क्या होगा, मांस दिखेगा, खून दिखेगा, इतने दिखेंगे। तब कहते अंत शरीर है हृदय पुंडरी का आकाश मध्य है। हे सौम्य सब विषो न देशांतर विज्ञेय, उसको देशांतर में ढूंढने से फायदा नहीं, बाहर कहीं इधर उधर जाके ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है वो चीज। यस्मिन नेता उच्चमाना, जिसमें ये सारी की सारी कौन सी जो आगे कहे जाने वाले षोड़श कलाह सोलह कलाएं प्राणाद्याह, देखा ना प्राणादि नाम से जो आगे कहेंगे प्रभुवंती उत्पद्यन्ते इति, उत्पन्न हुआ करते हैं। षोड़श कला भी उपाधि भूता भी सकल इव निष्कलह पुरुषो लक्षते अविद्या इति। सोलह कलाओं के द्वारा, वो सोलह कलाओं के द्वारा कौन से है वो उपाधि भूता भी, उपाधि भूत है जो उनके द्वारा सकल इव कलाओं के सहित के समान यद्य है क्या वो निष्कल पुरुष, कलाओं के रहित पुरुष होते हुए भी कलाओं के सहित पुरुष के समान उपाधियों के वजह से दिखाई देता है। उपाधि भूता भी षोड़श कला भी उपाधि रूपा इन सोलह कलाओं के द्वारा वह निष्कल पुरुष भी सकल पुरुष के समान दिखाई देता लक्षित है। ऐसे क्यों लक्षित हो रहा है, अविद्या का, अविद्या के वजह से ऐसे दिख रहा है। तद उपाधि कला अध्यारोप अपने न विद्या सपुरुष केवल दर्शित विधि कलानाम तद प्रभुत्व उच्चत है। तद उपाधि कला अध्यारोप अपने न, जो उपाधि रूपी कलाएं हैं इनका क्या हो रखा है, आत्मा में अध्यारोप हुआ है। उस अध्यारोप को क्या करना पड़ेगा, अपवाद कर दो अपने न, अध्यारोप अपवाद अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इसे अध्यारोप का अपनयन अध्यारोप कर दिया गया है, उपाधि रूपी कलाओं का आपने अध्यारोप कर लिया है, उस अध्यारोप को अब क्या करना पड़ेगा, अपनयन करो हटाओ अपवाद कर दोगे। कैसे अपवाद करूंगा, कैसे हटाया जाएगा उसको, विद्या विद्या से, अविद्या से आरोप हुआ विद्या से उसका अपवाद होगा, तब क्या होएगा, सब पुरुष केवल दर्शितव्य यदि कला नाम तक प्रभुत्व उच्चते, तब पुरुष जो केवल है वो दर्शाना होगा, उसके दर्शाना चाहिए यह मान करके ही पहले कलाओं की उत्पत्ति का कथन किया जाएगा। पहले अध्यारोप करना पड़ेगा ना, अध्यारोप के बिना उसका अपवाद नहीं किया जा सकता। और अध्यारोप हम करेंगे, क्या है अध्यारोप, जो सारी दुनिया कर बैठे हैं उसी को श्रुति अनुवाद करेगी, ये सोलह कलाएं आत्मा से उत्पन्न हुई है, ये अध्यारोप है। प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेषे हृदय अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्य अध्यारोप मंत्रेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुमिति कलानां प्रवस्थित्यप्याह आरोप्यन्ते अविद्या विषयाः चैतन्य अव्यतिरेकेणैव हि कला जायमानः तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। क्योंकि जो है जो प्राणादि जो सोलह पदार्थ हैं जो आगे कहे जाने वाले, उनका अध्यारोप भी आप बिना अध्यारोप के बिना उसका विचार विमर्श करके समझा करके अपवाद नहीं कर सकते। पहले आपको बताना पड़ेगा, मेरे को जो अनुभव हो रहा है प्राणादि सोलह पदार्थ हर जीव अनुभव कर रहा है, अपने पास प्राण है इंद्रियां सब अनुभव करेंगे नहीं कर रहे, हम लोग रोज रोज आ रहे जा रहे, सुषुप्ति में गए फिर जग गए सारी चीज वगैरह आ गई, जो रोज हमारे अनुभव हो रहे हैं सोलह जो कलाएं हैं कहां से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, ये पहले समझाना पड़ेगा हमें। जिनको लेकर हम अहंकार करके अज्ञानी बने हुए हैं, है ना, इन्हीं प्राणादियों को लेकर के अहम भाव है, और जितना उसमें दम है उसके अगर उतनी ही अहंकार बढ़ गई। और दम में जुड़ता है ना धन का बल, सब बल जुड़ते हैं, गुंडों का बल, कितने आपके बड़ा गुट है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितना आपकी शक्ति है, उतनी वो उसके अहंकार बढ़ते जाता है। कई लोग गिनती रिश्ते मेंटेन कर रहे, इतने लाख को दीक्षा दिया गया, इतने लाख को माला पहना दिया, इतने लाख को ये कर दिया, उतने लाख को, इतने लाख को आलिंगन किया, ओ माता जी ने तो ये भी लग दिया,
वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का का बुक्स वर्ल्ड का उसमें भर भरवा जाए, इतने लाखों का आलिंगन करने वाली औरत। दुनिया देखो ऐसी है, पागलपन नहीं है तो ये जो है ये अध्यारों को पहले समझाना पड़ेगा। इस अध्यारों को प्रतिपादन करके ही हम व्यवस्था दे सकते हैं, शुद्ध पुरुष वाले समझा सकते हैं। इसे प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष ही अत्वे शुद्धे तत्व। ये प्राणादि कहाँ है? अत्यंत निर्विशेष अद्वय शुद्ध तत्व में। न शक्य अध्यारोप मंत्रीण, अध्यारोप के बिना इसको समझाया नहीं जा सकता है, वो तत्व को बोध नहीं करा सकते। प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहारो कर तुम न शक्य, ऐसा नहीं कर लेना। इसके प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार है वह व्यवहार करना ही संभव नहीं है। इति कलानाम प्रवसित्यपया आरोप्यन्ते, इसे कलाओं का, इसे कलाओं का कहते हैं कि सारे क्या करना चाहिए, प्रभाव अप्य और उनका स्थिति सब समझाना पड़ेगा। प्रभाव मैंने उत्पत्ति स्थिति अपया लय आरोप्यन्ते, इनको आरोप किया जाएगा पहले आत्मा पे। फिर ये कैसी चीजें जो आरोप कर रहे हो आप? अविद्या विषयाः, अविद्या विषयभूत वस्तु, ये सारी की सारी चीजें इनको हम आरोप कर देते हैं। और वे आरोप करके क्या हम सिद्ध करना चाह रहे हैं? चैतन्य अवितरेकेण ही वही कला जायमाना, चैतन्य से अभिन्न रूपेण ही निरंतर उत्पन्न होती हुई कलाएं होती हैं और वही अभिन्न रूपेण स्थित है और अभिन्न रूपेण ही लय हो जाते हैं। तो रहा क्या, इसलिए अंत में चैतन्य ही रह गया। पट से अभिन्न रूपेण चित्र उत्पन्न हुए, अभिन्न रूपेण ही पट में स्थित हैं और अभिन्न रूपेण पट में लय हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ रह जाए, इसलिए अंत में केवल पट मात्र शेष। उसी पर यहाँ पर भी कहते हैं एक शेष मात्र चैतन्य रह जाता है, सर्वदा लक्षणते, ऐसे होकर के कलाएं लक्षित की जा रही है, समझो। सुषुप्ति जागृत यावत, दो नंबर टिप्पण है, सर्वदा मैने जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में ये तीन प्रकार की चीजों को लक्षित किया जा रहा है। न कथम आरुधि न किमिति तथ्यः स्युवताः अविद्या विषयाः, अविद्या के विषय को इन वस्तुओं को हम आरोपित करते हैं। न तथाविदं प्रमाणं गोचरेति रूप्याद् यत्र तु प्रमाणं यस्मिन्नेता इति इदं अनुपन्नमित्याशंके प्रमाणं कर्तार्थयति चैतन्य अवितरेकेण इत्यादिना। टिप्पणी एक में कि कोई कहे ऐसे कोई प्रमाण नहीं, ऐसा नहीं, दुनिया में सभी के पास प्रमाण है, जितने भी भ्रम है, बिना कोई अधिष्ठान का भ्रम हुआ आज तक किसी को? ये जगत रूपी भ्रांति का भी कोई ना कोई अधिष्ठान जरूर होगा, वह अधिष्ठान से अभिन्न ही होगा ना भ्रांति का विषय। अतएव विशेषण अविद्या विषय, अविद्या विषय जैसा रजतादि है वह शुक्त रूपी अधिष्ठान से अव्यतिरेकेण उत्पन्न है, शुक्त रूपी अधिष्ठान में अव्यतिरेकेण स्थित है और शुक्त रूपी अधिष्ठान में ही अव्यतिरेकेण लय हो जाए, क्योंकि तीनों ही कालों में वास्तव में क्या चीज है? शुक्ति ही है, रजत केवल ब्रह्मवशात प्रतीत मात्र हुआ था। उसी प्रकार तीनों ही कालों में एकमात्र चैतन्य पुरुष षोडश कल वाला जो कहा जाता है अकला, कलाओं से रहित जो पुरुष है वही यथार्थ में है तीनों ही कालों में। अज्ञान वशात अविद्यावशात हमें वो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय या प्रतीत मात्र होता है।